और ईरान ने अब कहां किया युद्धाभ्यास? अमेरिका को घेरे के लिए कैसा गठबंधन बना रहा है ईरान? ट्यूनेशिया में क्यों नहीं थम रहा है हंगामा? देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में ये सारी खबरें। ईरान की सेना ने एक बार फिर युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई है। इस युद्धाभ्यास में ईरान की स्पेशल फोर्स, हेलीकॉप्टर्स और टैंक शामिल हुए। युद्धाभ्यास में ईरान ने अपनी फौज की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास में शामिल फाइटर जेट्स ने टारगेट पर बमबारी की तो आर्टिलरी ने टारगेट पर गोले बरसाए। पिछले 2 हफ्तों में ये 5वीं बार है जब ईरान ने युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई हो। जब से अमेरिकी बॉम्बर B-52 ने मिडल ईस्ट के आसमान में उड़ान भरी है तभी से बौखलाया ईरान युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहा है। अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान अब नाटो जैसे संगठन बनाने की तैयारी में है। ईरान ने कहा कि वो अमेरिकी दादागिरी से नाराज देशों के साथ मिलकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाएगा। ईरान ने कहा कि इस गठबंधन में शामिल सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी देश पर हमला होने की सूरत में गठबंधन उसे सैन्य सहयोग मुहैया कराएगा। ईरान को लेकर चीन ने फिर अमेरिका पर निशाना साधा है। चीन ने कहा कि अमेरिका को ईरान के साथ बगैर किसी शर्त के परमाणु समझौता करना चाहिए। चीन ने अमेरिका से ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। चीन ने कहा कि ईरान अमेरिका परमाणु करार संवेदनशील मुद्दा है और इस पर बगैर किसी शर्त के आगे बढ़ना चाहिए। ट्यूनेशिया में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच राजधानी में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सरकार की आर्थिक नीति और कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ ट्यूनेशिया में रोज छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। पुलिस ने अब तक प्रदर्शन में शामिल 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अफगानिस्तान में सेना ने तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक की। अफगान सेना ने तालिबान के 2 टॉप कमांडर समेत 17 लड़ाकों को मार गिराया। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार सेना के बीच खूनी टकराव बढ़ा है। पाकिस्तान की बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच की संदिग्ध मौत को लेकर बलोच और सिंध संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। बलोच और सिंधी मानवाधिकार संगठनों ने यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रिटेन के सांसदों और अमेरिकी सीनेटरों को चिट्ठी लिखकर करीमा बलोच की संदिग्ध मौत की जांच कराने की मांग की। कनाडा में करीमा बलोच की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। अमेरिका ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन की कार्रवाई पर तल्ख टिप्पणी की है। अमेरिका ने कहा कि चीन उइगर मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि उइगरों के खिलाफ चीन की कार्रवाई मानवता के खिलाफ एक अपराध है। सीरिया में अमेरिका का एक AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा सीरिया के हासाकाह प्रांत में हुआ। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि हेलीकॉप्टर किसी तकनीकी हादसे का शिकार हुआ या बागियों ने इसे मार गिराया।